अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा खान कुकिंग। और आज मैं बना रही हूँ लहसुनिये। तो ये लहसुनिये क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए, तो ये मैंने ली है 250 ग्राम सफ़ेद उड़द की दाल, बिना छिलके वाली उड़द की दाल जो होती है ये वो है। तो इसको मैंने, आप चाहो तो ओवरनाइट भी भिगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको सुबह से भिगा दिया था। कम से कम 10 से 12 घंटा ये भीगी हुई दाल है और इसका पूरा पानी मैंने निकाल लिया है अभी। तो अभी एक मिक्सर की जार लेंगे, उसके अंदर मैं इसको डाल के पीस लूँगी। तो ये मैंने ले लिया एक मिक्सर का जार और इसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल। दाल थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देंगे, एक ही बारी में पूरी ना पीसे, थोड़ी थोड़ी करके पीसे ताकि इसका एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए, एकदम फाइन पेस्ट चाहिए। और इसमें पानी बहुत कम यूज़ कीजिएगा आप, जितना आप अगर इसे बिना पानी का पीसोगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए, तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप लोग हरी मिर्च इसमें भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती। तो देखिए इस तरीके से अब इसके अंदर जाएगा लहसुन। तो ये देखिए, ये लहसुन लिया है मैंने 7 से 8, और ये इसमें डाल देंगे। अब इसको मैं पीस लूँगी। तो ये मैंने पीस लिया है, देखिए मैंने इसमें 1/4 कप के जितना पानी डाला था पीसने के लिए। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट चाहिए, ये देखिए ये सही चाहिए हमें, है ना। तभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी, एक बाउल में, और फिर हम ये वाली दाल भी पीस लेंगे। तो ये भी मैंने पीस लिया है, इसको भी इसमें निकाल लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट करना है हमको। ये जो हमने पहले पीसा था तो इसमें ज़ीरा और लहसुन था, तो अभी मुझे इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे में लहसुन और ज़ीरे का फ्लेवर आ जाए। तो मैं पूरा मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से फेंटिएगा आप पूरी तरह से ताकि इसके अंदर एयर आ जाए, और ये हमारे जो इसके जो लहसुनिये के जो ये है गोटे जो बनेंगे हमारे लहसुनिये के गोटे, तो ये एकदम सॉफ्ट और एकदम अंदर से एकदम स्पंची बनेंगे। तो इसको अच्छे से हमको इस तरीके से फेंटना है। देखिए मैंने इसे फेंट लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए मैं साइड पे कर दूँगी। इसको ढके हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अभी हम इसमें डालेंगे खाता सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, जो हम भजिए वगैरह में डालते हैं वो वाला सोडा डाल दूँगी मैं इसमें। वो हमें तो थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा ना ले, 1 चिट्ठी के बराबर लूँगी। देखिए एकदम थोड़ा सा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो खाता सोडा है इसके साथ इसको मिक्स करना है अच्छे से, नमक और खाता सोडा अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। देखो कितना फ्लफी और एकदम फूल गया है ये, मैंने यहाँ गैस पे तेल गरम करने रख दिया है। इसको फटाफट मिलाते और फ्राई करते हैं कि मैं इसके अंदर छोड़ दूँगी। तेल गरम हो चुका है अच्छे से, तो देखिए इस साइड ऐसे
गोल 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 ही, ये देखिए एकदम फुलकर ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए। तभी इसमें जितने आ जाए मैं उतने डाल दूंगी इसके अंदर सब। इसको लाइट गोल्डन होने दे, देखिए इस तरीके से अलट पल पलटा पलटा के इसको फ्राई कर ले चारों तरफ से। तो ये देखिए ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए ऊपर से और अंदर एकदम सॉफ्ट मलाई के जैसे है अंदर से, और ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो गए। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, देखिए। और अभी इसका हम एक करेंगे मैजिक, तो इसका मैजिक अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैजिक होने वाला है। तो ये मैंने एक यहाँ पर पैन रख लिया है कढ़ाई, और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चम्मच से भी कम तेल डालूँगी इसके अंदर, और इसके अंदर मैं लूँगी लहसुन और मिर्चा। मिर्ची को मैंने कूट कर लहसुन और मिर्ची इसको, तो ये इसके अंदर मैंने तीन चार लहसुन लिया था, और जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको मिक्सी में पीस कर वो लहसुन के साथ इसको मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा सा, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा कच्चा ही रहने देना ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बस इस तरीके से इसको अभी मैं इसको, ये जो हमने उड़द की दाल के लहसुन ये बना के रेडी किए हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे ऐड करके और इस पर एक प्लेट लगा दूँगी इसे, और ये प्लेट लगा के इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, देखिए अच्छे से वो जो चटनी है तो वो इसके ऊपर रैप हो जाएगी, देखिए इस तरीके से, देखो। तो ये हमारे लहसुनिये, तो इसको कहते हैं लहसुनिये, ये रेडी है। कि मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसे लगे, ठीक है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। तो ये दीजिए, ये लहसुन ये मेरे रेडी है, और ये ग्रीन चटनी मैंने मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मैंने डाल दी हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा, और देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है और कितने यम्मी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और शेयर करना ना भूले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।